तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका वेलकम है। वीडियो में आज हम क्या करने वाले हैं ये आपको वीडियो के टाइटल से पता लग ही गया होगा। तो शुरू करने से पहले देखिए, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारी एक्टिविटी 3.1। सो 3.1 में आपसे कहा है कि टेक सैंपल्स ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। आपको इन मेटल्स के जो है सैंपल्स को जो है इकट्ठा करना है, और उनकी अपीयरेंस को जो है वो नोट करना है कि उनकी अपीयरेंस जो है वो कैसी है। तो देखिए, जब आप इनके सैंपल्स को जो है देखेंगे तो फर्स्ट अपीयरेंस में जो है आपको सभी मेटल्स की सरफेस जो है वो डल दिखाई देगी। तो आगे इसी एक्टिविटी में आपसे कहा है कि क्लीन द सरफेस ऑफ ईच सैंपल बाय रबिंग देम विद सैंड पेपर एंड नोट देयर अपीयरेंस अगेन। यानी कि आपको क्या करना है, आपको सैंड पेपर की हेल्प से जो है सभी मेटल्स की जो सरफेस है उनको जो है क्लीन करना है और उनकी अपीयरेंस को नोट करना है। तो देखिए, जो मेटल्स की सरफेस आपको डल शो हो रही थी, जब आप उनको जो है सैंड पेपर की हेल्प से जो है वो रब करेंगे तो वही मेटल की सरफेस जो है वो शाइन होना जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसा क्यों हुआ, देखिए क्या है कि जो हमारी मेटल्स हैं ये सभी मेटल्स एक करैक्टरिस्टिक शाइनिंग सरफेस को जो है वो शो करती है, जिसे हम मेटलिक लस्टर के नाम से जो है जानते हैं। जब हम मेटल्स को जो है एयर में जो है वो काफी लंबे समय तक के लिए रख देते हैं तो क्या होता है, जो एयर में हमारा मॉइस्चर या गैसेस प्रेजेंट हैं उनके साथ जो हमारी मेटल्स हैं ये रिएक्ट करती हैं और अपने कंपाउंड्स बनाती हैं। और क्या होता है कि इन कंपाउंड्स की जो एक लेयर है वो जनरली मेटल्स के ऊपर जो है वो प्रेजेंट होती है, और इसी लेयर की वजह से जो हमारी मेटल की सरफेस है वो डल शो होती है। बट क्या होता है, जब हम इसी सरफेस को सैंड पेपर की हेल्प से रब करते हैं, क्लीन करते हैं, तो जो ये मेटलिक ऑक्साइड या मेटल के जो कंपाउंड्स है, माफ कीजिए, मेटल के जो कंपाउंड्स हैं इनकी लेयर जो है वो रिमूव हो जाती है। और जैसे ही ये लेयर रिमूव होती है हमें मेटल की जो शाइनिंग सरफेस है, जो मेटलिक लस्टर है, वो हम इजीली देख सकते हैं। वी कुड बी एबल टू सी द मेटलिक लस्टर और शाइनिंग सरफेस ऑफ मेटल्स। तो चलिए करते हैं हमारी एक्टिविटी 3.2। सो 3.2 में आपसे कहा है कि टेक स्मॉल पीसीज ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम एंड ट्राई टू कट ऑल दीज मेटल्स विद द हेल्प ऑफ शार्प नाइफ एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन। यानी कि क्या करना है, आपको इन सभी मेटल्स के स्मॉल पीसीज को लेना है और उसे नाइफ की हेल्प से जो है वो कट करने की कोशिश करनी है। तो देखिए क्या होगा, जब आप इन मेटल्स को नाइफ की हेल्प से कट करने की कोशिश करेंगे तो देखिए आपको काफ़ी डिफिकल्टी होगी इन्हें कट करने में, क्योंकि आपने देखिए काफ़ी स्मॉल पीसेस लिए हैं मेटल के, तो आप इनको जो है काफ़ी ज़्यादा एफर्ट के बाद जो है वो कट कर सकते हैं। यू कुड बी एबल टू कट देम बट यू फाइंड या जो आप इनको कट करेंगे उसमें काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क, काफ़ी एफर्ट्स जो है आपको लगाने पड़ेंगे, तभी आप इनको जो है वो नाइफ की हेल्प से कट कर पाएंगे। आगे इसी एक्टिविटी में कहा है कि एक सोडियम मेटल का जो है पीस को टोंग्स की हेल्प से जो है वो होल्ड कीजिए, उसे वॉच ग्लास पे रखिए और सोडियम मेटल को जो है वो नाइफ की हेल्प से कट करने की कोशिश कीजिए एंड अपनी ऑब्जर्वेशन को नोट कीजिए। तो देखिए क्या होगा, जब आप सोडियम मेटल को जो है कट करने की कोशिश करेंगे तो सोडियम मेटल को आप इजीली जो है वो नाइफ की हेल्प से कट कर पाएंगे। ऊपर जो मेटल्स थी लाइक आयरन या कॉपर जो है हमारी मेटल्स, इनको कट करने में जितना आपको एफर्ट्स लगाना पड़ा था उसके कंपैरिजन में जब आप सोडियम मेटल को कट करेंगे तो आप कह सकते हैं कि उनके कंपैरिजन में सोडियम मेटल जो है ये हमारी एक सॉफ्ट मेटल है। इस एक्टिविटी से हमने क्या सीखा कि देखिए जो हमारी मेटल्स हैं, मोस्ट ऑफ द मेटल्स सभी हार्ड हैं और नेचर में सॉलिड स्टेट में मिलती हैं। कुछ मेटल्स जो हैं एक्सेप्शन है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में है, बट मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो है हमारी ये हार्ड होती हैं और नेचर में सॉलिड स्टेट में मिलती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारी मेटल्स के जो एटम्स हैं ये आपस में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर या एटॉमिक फोर्सेस से जो है क्लोजली पैक होते हैं, इनके बीच में जो स्पेस है वो काफ़ी कम होता है और इसलिए जो है ये हार्ड होती हैं और आप इनको नाइफ की हेल्प से कट नहीं कर सकते। बट मैंने आपको बताया कि इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, तो कुछ मेटल जैसे कि हमारी सोडियम या पोटेशियम मेटल जो है ये सॉफ्ट मेटल्स होती हैं,
ये हार्ड नहीं होती और आप इनको जो है नाइफ की हेल्प से इजीली कट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आगे कुछ नोट करने वाली चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, एग्ज़ाम में जो है ये काम आएगी आपके, कि सभी मेटल्स हमारी हार्ड होती हैं बट सोडियम और पोटेशियम जो है ये एक्सेप्शनल केस हैं, ये सॉफ्ट मेटल है। इसके अलावा सोडियम मेटल के बारे में एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है, जो मैं आपको बताना चाहता था, वो ये है कि सोडियम हमारी एक हाईली रिएक्टिव मेटल है। ऊपर लिखा था ना कि सोडियम मेटल को जो है टोंग्स की हेल्प से जो है आपको होल्ड करना है, ऐसा इसलिए था क्योंकि जब सोडियम मेटल जो है वो एयर के कॉन्टैक्ट में आती है तो ये उससे रिएक्ट करती है और ऑक्सीजन, माफ़ कीजिएगा, एयर में जो ऑक्सीजन या वाटर वेपर प्रेजेंट है उनसे जो है ये क्विकली रिएक्ट करती है और सोडियम ऑक्साइड या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बनाती है। अब ये जो रिएक्शन है सोडियम मेटल की ऑक्सीजन या वाटर वेपर्स के साथ, ये इतनी ज़्यादा एक्सोथर्मिक होती है, इसमें इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है कि अगर हमारी स्किन इसके कॉन्टैक्ट में जाए तो हमारी स्किन जो है वो डैमेज हो सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि सोडियम मेटल को जो है वो टोंग्स की हेल्प से जो है वो हैंडल किया जाए, ट्रीट किया जाए। इसके साथ ही एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन हर बार आता है, आपको मैं वो भी समझा देता हूँ, इसी एक्टिविटी से रिलेटेड है, कि सोडियम मेटल को जो है वो कैरोसिन ऑयल में क्यों रखा जाता है। देखिए आप सोडियम मेटल को जो है नॉर्मली जो है एक डिश में या एयर में नहीं रख सकते, हमें हम सोडियम मेटल को जो है वो प्लेस करते हैं हमेशा कैरोसिन ऑयल में। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि सोडियम जो है हमारी काफ़ी रिएक्टिव मेटल है, ये ऑक्सीजन या वाटर वेपर के कॉन्टैक्ट में आएगी, यानी कि अगर ये एयर या वाटर वेपर मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में आएगी तो क्विकली जो है अपना सोडियम ऑक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि अपने कंपाउंड्स जो है वो बनाएगी। रिएक्शन आपको यहाँ दी हुई है, अगर ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी तो सोडियम ऑक्साइड बनाएगी, वाटर से रिएक्ट करेगी तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगी। अब क्योंकि सोडियम मेटल जो है क्विकली रिएक्ट करके अपने कंपाउंड्स बनाती है, तो क्योंकि हम सोडियम मेटल उसके कंपाउंड बनाने से रोकना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे सोडियम मेटल जो है वो प्रिवेंट रहे, सोडियम की फॉर्म में ही रहे, तो टू प्रोटेक्ट द सोडियम मेटल फ्रॉम ऑल दीज रिएक्शंस हमें सोडियम मेटल को जो है वो कैरोसिन ऑयल में रखना पड़ता है। कैरोसिन ऑयल में रखने से क्या होता है, सोडियम मेटल का जो है वो ऑक्सीजन और वाटर दोनों से ही जो कॉन्टैक्ट है वो ख़त्म हो जाता है, सोडियम मेटल अपने कंपाउंड जो है वो नहीं बना पाती और इस तरीके से हम सोडियम मेटल को जो है वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो सोडियम मेटल को कैरोसिन ऑयल में रखने का रीज़न आपको समझ में आ गया होगा। सो 3.3 में आपसे कहा है कि आयरन, जिंक, लेड और कॉपर, इन मेटल्स के जो है वो पीसीस लीजिए, इन्हें एक आयरन के ब्लॉक पर रखिए और हैमर की हेल्प से जो है 4 to 5 times जो है वो स्ट्राइक कीजिए और अपनी ऑब्जर्वेशन को नोट कीजिए। तो देखिए क्या होगा जब जो है हम इन मेटल्स को, क्योंकि इसमें आगे ये भी कहा है ना कि आप सभी मेटल्स के साथ जो है इस एक्टिविटी को कीजिए, तो देखिए जब हम सभी मेटल जो हमारे गिवन मेटल्स हैं इनको हैमर की हेल्प से जो है 4 to 5 times जो है वो स्ट्राइक करेंगे तो मेटल्स की जो शेप है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप कंटिन्यू में हैमर की हेल्प से जो है स्ट्राइक करते रहेंगे लंबे टाइम तक तो हम जो है उनको शीट्स में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। इस एक्टिविटी का जो मेन एम था वो आपको मेटल्स की जो है वो एक बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टी जिसे हम मैलिएबिलिटी के नाम से जानते हैं, ये बताना था कि सभी मेटल्स जो है वो मैलिएबिलिटी को शो करती हैं, वो मैलिएबल होती हैं। और मैलेबिलिटी क्या होती है? मैलेबिलिटी हमारी मेटल्स की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम मेटल्स को जो है वो बीट करके हैमर की हेल्प से जो है स्ट्राइक करके थिन शीट्स में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मैलेबिलिटी, और ऐसी मेटल्स जो मैलेबिलिटी को शो करती हैं उन्हें हम कहते हैं मैलिएबल मेटल्स। मोस्ट ऑफ द हमारी मेटल जो है, जनरली सभी मेटल्स हमारी मैलिएबल हैं, कुछ ज़्यादा मैलिएबल हैं, कुछ कम मैलिएबल हैं, जैसे कि गोल्ड और सिल्वर, ये हमारी सबसे ज़्यादा मैलिएबल मेटल्स हैं। आप इनसे जो है काफ़ी थिन शीट्स, मेटल की सबसे पतली शीट्स जो है वो हम गोल्ड और सिल्वर मेटल की जो है वो बना सकते हैं। सबसे ज़्यादा मैलिएबल मेटल्स हमारी गोल्ड एंड सिल्वर। करते हैं हमारी एक्टिविटी 3.4। सो 3.4 में आपसे कहा है कि कुछ मेटल्स कंसिडर कीजिए लाइक आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम और लेड, और आपको बताना है कि इनमें से कौन सी मेटल्स जो है वो वायर की फॉर्म में जो है वो अवेलेबल हैं। तो देखिए जनरली क्या होगा, इन सभी मेटल्स में जो है
आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम की वायर्स जो है वो आपको देखने को जो है वो मिल जाएंगी। ऐसी जो वायर्स हैं मेटल्स की वो मार्केट में अवेलेबल होती हैं, हमारे घरों में भी इनका यूज़ होता है। तो इस एक्टिविटी का एम क्या था? इस एक्टिविटी का एम आपको ये बताना था मेटल्स की प्रॉपर्टी का, कि जो मेटल्स हैं उनको जो है हम वायर की फॉर्म में जो है वो जो है मेट बना सकते हैं, मेटल्स की वायर जो है बना सकते हैं, मेटल्स को वायर की फॉर्म में ड्रॉ कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, मेटल्स की इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है डक्टिलिटी। और जो मेटल्स हमारी वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं उसे हम कहते हैं डक्टाइल मेटल्स। तो डक्टिलिटी क्या होती है, द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। ऊपर मैंने आपको बताया था कि मेटल्स को अगर हम शीट्स में जो कन्वर्ट कर सकते हैं उस प्रॉपर्टी को कहते हैं मेलेबिलिटी, वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करने को हम कहते हैं डक्टिलिटी। और देखिए गोल्ड और सिल्वर दोनों ही हमारी काफ़ी ज़्यादा डक्टाइल मेटल्स होती हैं और मेलिएबल मेटल्स भी होती हैं, बट इनमें भी जो गोल्ड है, गोल्ड हमारी सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल्स है। आप सिर्फ 1 ग्राम गोल्ड से जो है 2 किलोमीटर की वायर जो है वो बना सकते हैं। अब आप कहेंगे कि देखिए सभी मेटल्स डक्टाइल होती हैं, बट यहाँ हमें देखिए लेड के बारे में पूछा था, लेकिन लेड की वायर आप लोगों ने जो है मोस्टली नहीं देखी होगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए क्या है, लेड जो है ये काफ़ी डक्टाइल मेटल है और आप इसकी वायर्स जो है वो बना सकते हैं, बट ये हमारा क्या है इलेक्ट्रिसिटी का इतना अच्छा कंडक्टर नहीं होता और इसी वजह से जो है हम लेड की जो है वायर्स का यूज़ नहीं करते, आपको लेड की वायर्स जो है वो देखने को नहीं मिलती, बट लेड भी जो है हमारी एक डक्टाइल मेटल है। करेंगे हमारी एक्टिविटी 3.5। एक्टिविटी में क्या है, आपको कहा गया है कि आपको एक एल्यूमिनियम या कॉपर की वायर लेनी है, जैसा आपको यहाँ फिगर में शो किया हुआ है। आपको इस एल्यूमिनियम या कॉपर वायर के एक एंड पर वैक्स की हेल्प से जो है एक मेटल की पिन को जो है वो फिक्स करना है। यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है एक फ्री एंड पर आपको जो है वायर के वैक्स की हेल्प से एक पिन को फिक्स करना है। देन आपको क्या करना है, आपको एक स्पिरिट लैंप लेना है और इस वायर को जो है वो गर्म करना है, हीट करना है। तो क्या होगा उसको आपको जो है अपनी ऑब्जर्वेशन को नोट करना है कि जब आप इस वायर को हीट करेंगे तो क्या होगा। तो देखिए क्या होगा, जैसे ही हम जो है इस मेटल की वायर को जो है हीट करेंगे तो जो हमने यहाँ पिन को जो है वैक्स की हेल्प से जो है फिक्स किया है, तो क्या होगा, जो हमारी वैक्स है फ्री एंड पे वो कुछ देर बाद जो है मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। और जैसे ही हमारी वैक्स जो है वो मेल्ट होना शुरू होगी, जो हमारी पिन हमने फिक्स की हुई थी वो ग्राउंड में जो है वो फॉल हो जाएगी, ग्राउंड में गिर जाएगी, हमारी पिन जो है वो यहाँ इस एंड पे फिक्स नहीं रह पाएगी। इसके बाद आगे इसी एक्टिविटी में कहा है कि वैक्स तो जो है मेल्ट हो गई, बट क्या जो हमारी मेटल की वायर है वो भी मेल्ट होगी? तो देखिए नहीं, जो हमारी मेटल की वायर है वो मेल्ट नहीं होगी, बट हाँ ये जो है काफ़ी ज़्यादा गर्म होकर जो है रेडिश कलर की हो जाएगी, बट ये मेल्ट नहीं होगी। तो इस एक्टिविटी से हमने देखिए क्या सीखा, फर्स्ट ऑफ ऑल इस एक्टिविटी से हम कह सकते हैं कि जो हमारी मेटल्स हैं ये हीट की गुड कंडक्टर हैं, हीट को कंडक्ट करती हैं और अपने से ट्रैवल होने देती हैं। कैसे, देखिए मान लीजिए ये हमारी वायर थी, हमने यहाँ पे पिन को प्लेस किया और यहाँ पे हमने जो है वो लैंप की हेल्प से वायर को गर्म किया, तो वायर ने क्या किया, वायर मेटल की है उसने जो है हीट को कंडक्ट किया एंड जो है हीट इस एंड से ट्रैवल होके इस एंड तक गई जहाँ पे हमने वैक्स की हेल्प से पिन को जो है फिक्स किया था। मतलब कि हम कह सकते हैं कि जो मेटल्स हैं हमारी वो हीट की कंडक्टर हैं और हीट को जो है अपने से ट्रांसफ़र और ट्रैवल जो है वो होने देती हैं। दूसरा हमारा जो इस एक्टिविटी का कंक्लूजन है कि जो मेटल्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। कैसे, देखिए वैक्स जो थी ये हमारी जो है मेल्ट हो गई, बट जो हमारी मेटल की वायर थी वो गर्म होने के बाद भी जो है मेल्ट नहीं हुई, जिससे कि हम कह सकते हैं कि हमारी मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करने वाली बात है कि हमें सभी मेटल्स जो है हमारी हीट की गुड कंडक्टर नहीं होती, इसमें भी एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, जैसे कि हमारी एक मेटल है लेड और मर्क्यूरी, हमारी ये दो मेटल्स जो हैं ये हीट की एज़ कम्पेयर टू अदर मेटल्स
पुअर कंडक्टर जो है ये होती हैं। हमारी एक्टिविटी 3.6 क्लास 10th साइंस के चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल से। इस एक्टिविटी में आपको करना क्या है, आपको एक बैटरी बल्ब स्विच की हेल्प से जो है इलेक्ट्रिक सर्किट को जो है वो बनाना है, और उसके दो एंड्स पर जो फ्री एंड है उस पर आपको जो है क्लिप लगानी है ए और बी, ताकि आप इनके बीच में जो है मेटल का जो हमारा पीस है गिवन उसको जो है प्लेस कर सकें। और आपको इस तरीके से करना है कि जब आप इसके टुकड़ों के बीच में जो मेटल के टुकड़े को प्लेस करेंगे तो हमारा जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो कंप्लीट हो जाए। तो जैसे ही आपको मेटल के जितने भी पीसीज हैं, जो भी आप मेटल्स के टुकड़ों को जो है टेस्ट करना चाहते हैं, आपको यहाँ प्लेस करना है और स्विच को ऑन करना है। देन आपको बताना है कि जो हमारा बल्ब है वो ग्लो होगा या नहीं, और इससे क्या इंडिकेशन जो है वो मिलती है। तो देखिए क्या है, आप किसी भी मेटल के पीस को जो है इस सर्किट में लगाएंगे तो जो हमारा बल्ब है वो ग्लो करना स्टार्ट कर जाएगा। तो इससे क्या इंडिकेशन मिली, इससे हमें यह इंडिकेशन मिली कि जो हमारी मेटल्स हैं ये इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होती हैं। तो इस एक्टिविटी की एक्सप्लेनेशन या एम क्या होगा, देखिए मोस्ट ऑफ द मेटल्स जैसे लेड है, लेड हमारा जो है, लेड जिसका केमिकल सिंबल पी भी होता है, ये हमारी इलेक्ट्रिसिटी की पुअर कंडक्टर है, बट मोस्ट ऑफ द जो मेटल्स हैं ये हमारी इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होती हैं। इसीलिए जो घरों में वायर्स हैं, इलेक्ट्रिक वायर जो है वो मेटल्स की ही बनी होती हैं, लाइक कॉपर या एल्यूमिनियम की वायर्स जो है हम यूज़ करते हैं। और आप जब भी किसी मेटल को जो है इस इलेक्ट्रिक सर्किट में प्लेस करेंगे हमेशा हमारा बल्ब ग्लो होगा। इस एक्टिविटी का कंक्लूजन या एम आपको यही समझाना था कि मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होती हैं। ये हमारी जो मेटल्स की एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, जब हम चैप्टर में आज से एग्ज़ाम में पूछा जाता है भैया एक्सप्लेन द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, तो उसमें आप ये लिख सकते हैं कि मेटल्स जो हैं इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होती हैं। हम करेंगे हमारी एक्टिविटी 3.7। तो 3.7 में हमें क्या करना है, हमें नॉन मेटल्स जैसे कि कोल, ग्रेफाइट, सल्फर या आयोडीन जो है इन नॉन मेटल्स के सैंपल लेने हैं, और एक्टिविटी 3.1 से 3.6 तक जो जो हमने प्रोसीजर मेटल्स के साथ किए थे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को पता लगाने के लिए, वही प्रोसेस हमें नॉन मेटल्स जो हमें ये गिवन है इनके साथ करने हैं, और जो भी हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं उनको जो है हमें नोट करना है। तो देखिए जब हम जो है हमने एक्टिविटी 3.1 से 3.6 तक प्रोसेस किए थे मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को पता लगाने के लिए, अगर हम यही सब प्रोसेस जो है इन गिवन नॉन मेटल्स के साथ करते हैं तो हमारी ऑब्जर्वेशन कुछ इस तरीके से होगी। देखिए पहली चीज़ तो जो ग्रेफाइट और कोल है ये दोनों ही जो है कार्बन के ही जो है एलोट्रोप्स है, तो इनका केमिकल सिंबल दोनों का ही सी होगा। सल्फर का केमिकल सिंबल एस और आयोडीन का केमिकल सिंबल होगा आई। सरफेस की बात करें तो देखिए ग्रेफाइट की जो सरफेस है ये भी नॉन लस्ट्रस होगी, कोल की सरफेस भी नॉन लस्ट्रस रफ होगी, सल्फर की भी नॉन लस्ट्रस होगी, बट इसमें क्या होगा ग्रेफाइट की सरफेस जो है ये स्लिपरी होगी, बट केवल आयोडीन ऐसी नॉन मेटल होगी जिसकी सरफेस जो है ये लस्चर को जो है ये शो करेगा, जो कि मोस्टली मेटल्स की प्रॉपर्टी है, बट आयोडीन एक एक्सेप्शनल केस है, ये ऐसी नॉन मेटल है जो लस्चर को शो करती है। हार्डनेस की बात करें तो हमारी ये चारों ही नॉन मेटल्स हैं ये सॉफ्ट होंगी, हार्ड नहीं होगी। मैलेबिलिटी देखिए जो है ये मेटल्स की प्रॉपर्टी है, जिसमें क्या होता है मेटल्स को जो है हम हैमर की हेल्प से बीट करके जो है उनको थिन शीट्स में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं, बट नॉन मेटल्स में क्या होगा ये सभी जो है हमारी नॉन मेटल्स चाहे ग्रेफाइट, कोल, सल्फर, आयोडीन है, ये सभी नॉन मैलिएबल होंगी। अगर आप इनको जो है हैमर की हेल्प से जो है बीट करेंगे तो आप इनको शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, ये टुकड़ों में जो है बिखर जाएंगी। आप इनको कह सकते हैं कि नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, दे आर नॉट मैलिएबल। तो आगे बढ़ते हैं, आगे इन्हीं नॉन मेटल्स की जो हमारी हैं ग्रेफाइट, कोल, सल्फर, आयोडीन, इनकी और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, मान लीजिए डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मेटल्स की जो है ऐसी प्रॉपर्टी थी जिसमें जो है मेटल्स को जो है वायर्स की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर सकते थे, बट जो हमारी ये नॉन मेटल्स हैं ये सभी नॉन डक्टाइल हैं, आप इनकी जो है वायर नहीं बना सकते, ये जो है पीसेस में बिखर जाएंगी, पाउडर बन जाएगा इनका, बट ये वायर्स में जो है कन्वर्ट नहीं हो पाएंगी। कंडक्टिविटी की बात की जाए तो केवल ग्रेफाइट जो है ये हमारी ऐसी नॉन मेटल है जो कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों को ही जो है ये कंडक्ट करती है, इनकी गुड कंडक्टर है केवल ग्रेफाइट। बाकी जो हमारी नॉन मेटल्स हैं ये सभी जो है
हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों की ही जो है पुअर कंडक्टर होती हैं, उनको कंडक्ट नहीं करती। सोनोरिटी की बात की जाए तो सोनोरिटी देखिए ये मेटल्स की कौन सी प्रॉपर्टी थी, ये मेटल्स की ऐसी प्रॉपर्टी है जब हमारी मेटल किसी हार्ड सरफेस को जो है स्ट्राइक करती है तो एक रिंगिंग साउंड जो है वो प्रोड्यूस करती है और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सोनोरिटी। तो जो हमारी नॉन मेटल्स हैं ये नॉन सोनोरस होती हैं, ये अगर आप इनको हार्ड सरफेस स्ट्राइक करेंगे तो ये जो रिंगिंग साउंड जो मेटल्स प्रोड्यूस करती हैं उस साउंड को प्रोड्यूस नहीं करेंगी। इसीलिए जो मंदिरों में या स्कूल्स में जो बेल होती हैं उसके लिए जो है मेटल्स का यूज़ करते हैं, उन बेल को बनाने के लिए नॉन मेटल्स का यूज़ नहीं करते। तो इस एक्टिविटी से हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि नॉन मेटल्स की क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो नॉन मेटल्स हैं ये नेचर में जो है तीनों ही फिजिकल स्टेट्स में मिलेंगी, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, तीनों ही स्टेट्स में जो है नॉन मेटल्स हमें मिलती हैं। मेटल जनरली जो है नेचर में जो हमारी हैं ये सॉलिड स्टेट्स में होती हैं, बट नॉन मेटल हमारी सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों ही स्टेट्स में मिलेंगी। जो नॉन मेटल्स हैं इनकी सरफेस नॉन लस्टरस होती है, किसी भी तरीके की जो शाइनिंग शाइन होती है उसको प्रोड्यूस नहीं करती। बट आयोडीन मैंने आपको बताया था, आयोडीन एक हमारा एक्सेप्शनल केस है, ये नॉन मेटल होने के बाद भी जो है इसकी सरफेस लस्टर को शो करती है, एक चमक जो होती है मेटल्स में आयोडीन की सरफेस भी वैसी चमक वैसी लस्टर को जो है शो करती है। नॉन मेटल्स हमारी जनरली जो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी की पुअर कंडक्टर होती हैं या फिर उनको कंडक्ट ही नहीं करती। बट ग्रेफाइट अगेन एक एक्सेप्शनल केस है, ग्रेफाइट हमारा हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों को ही जो है अच्छे से कंडक्ट करता है। नॉन मेटल्स जो है ना तो हमारी मैलिएबल होती ना ही हमारी डक्टाइल होती हैं, ये ब्रिटल होती हैं, ये जो है पीसीस में ब्रेक हो जाती हैं, टूट जाती हैं, बट इनको आप जो है ना तो शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं ना ही वायर में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉन मेटल्स जो है मेटल्स के कंपैरिजन में जो है काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, हमारी मेटल्स जो हैं जनरली हार्ड होती हैं बट नॉन मेटल्स हमारी जो है काफ़ी सॉफ्ट होती हैं। बट इसमें भी एक एक्सेप्शनल केस है डायमंड, डायमंड एक नॉन मेटल होने के बाद भी क्योंकि ये कार्बन का एलोट्रोप है तो ये नॉन मेटल है, बट ये हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। बाकी जनरली जो हमारी नॉन मेटल्स हैं ये सभी सॉफ्ट होती हैं। इसके अलावा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, देखिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पे हमारा कोई सब्सटेंस मेल्ट होना या फिर बॉइल होना जो है वो स्टार्ट करता है। मेटल्स के केस में क्या था, मेटल्स का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट था वो काफ़ी ज़्यादा जो है हाई था, बट नॉन मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो काफ़ी लो होता है। बट इसमें एक एक्सेप्शन है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। नॉन मेटल होने के बाद भी ग्रेफाइट का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है, इसीलिए जो मेटल्स को जो है हम जो है इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें मेटल्स को जिसमें पिघलाया जाता है उसके जो हमारे बर्तन होते हैं या वॉश होता है जिसमें मेटल्स को हम पिघलाते हैं उसमें जो है उनको बनाने के लिए ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है। तो ये हमारी नॉन मेटल्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी। एक्टिविटी 3 पॉइंट हमारी कौन सी थी, 7 का जो मेन मोटिव था आपको नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताना था। ये हमारी एक्टिविटी 3.8 जो कि हमारे चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से है, क्लास 10th साइंस से। तो देखते हैं इस एक्टिविटी में हमें करना क्या है। तो देखिए इसमें आपसे कहा गया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक मैग्नीशियम रिबन लेना है और कुछ जो है थोड़ी सी अमाउंट में सल्फर पाउडर लेना है। तो हमें क्या करना है, हमें मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना है और बर्न करने से मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करेंगे तो जो ऐश बनेगी, जो पाउडर हमें मिलेगा उसको आपको कलेक्ट करना है, वाटर में डिजोल्व करना है देन उस पाउडर को, और देन हम क्या करेंगे जो मैग्नीशियम को बर्न करने से जो हमें पाउडर मिला उसको जब हमने वाटर में डिजोल्व किया तो जो हमारे पास सॉल्यूशन आया उस सॉल्यूशन को हमें ब्लू और रेड लिटमस पेपर से टेस्ट करना है कि वो हमारा सॉल्यूशन एसिडिक नेचर का होगा या फिर बेसिक नेचर का। तो देखिए क्या होता है, जब हम हमारे मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो ये वाइट डेजलिंग वाइट फ्लेम जो है वो प्रोड्यूस करता है एंड जलना स्टार्ट करता है। तो जैसे ही मैग्नीशियम रिबन जलता है या बर्न होता है तो ये जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो फॉर्म करता है। जो हमें वाइट या ग्रे कलर का जो पाउडर मिलेगा वो पाउडर जो होगा वो मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। अब हम इस मैग्नीशियम ऑक्साइड के पाउडर को जब वाटर में डिजोल्व करेंगे तो वाटर में डिजोल्व होने के बाद हमें मिलेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कुछ इस तरीके की रिएक्शन होगी, ये हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड है, जब ये वाटर के साथ जो है मिक्स होगा डिजोल्व होगा तो हमें मिलेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब हमें क्या करना था,
हमें इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जो है लिटमस पेपर, रेड और ब्लू दोनों ही लिटमस पेपर्स के साथ जो हमारा इस एक्वस सॉल्यूशन को जो है वो टेस्ट करना था। तो देखिए, जब हम जो है रेड लिटमस पेपर के साथ टेस्ट करेंगे तो हमारा जो रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू कलर का हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की वजह से, बट हमारे ब्लू लिटमस पेपर पे जो है कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अब आपको पता है, हमने जब एसिड और बेस वाला जो है चैप्टर किया था तो हमें पता है कि ऐसा सॉल्यूशन जो रेड लिटमस पेपर को जो है ब्लू कलर का कर दे वो जो हमारा है वो बेसिक नेचर का होता है। यानी कि इससे हमें क्या पता लगा कि जो हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन है वो हमारा नेचर में किसका है, बेसिक नेचर। सो आगे इसी एक्टिविटी में हमें क्या करना है, हमें सल्फर पाउडर के साथ जो है वो टेस्टिंग करनी है। वो टेस्टिंग हम कैसे करेंगे, हम एक बर्नर के ऊपर जो है एक स्पैटुला में कुछ सल्फर पाउडर को जो है थोड़ा सल्फर पाउडर लेंगे, उसको जो है हीट करेंगे। हीट करने से जो गैस प्रोड्यूस होगी, हमें क्या करना है, हमें उस गैस को जो है एक टेस्ट ट्यूब में कुछ इस तरीके से टेस्ट ट्यूब रख देंगे हम, ताकि जो गैस प्रोड्यूस हुई है वो उस टेस्ट ट्यूब में जो है वो कलेक्ट हो जाए। देन हम क्या करेंगे, देन हम इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे और उस गैस को जो है वाटर में मिक्स करेंगे और जो सॉल्यूशन हमें प्रोड्यूस होगा उसे हम ब्लू और रेड लिटमस पेपर से जो है वो टेस्ट करेंगे और अपनी ऑब्जर्वेशन को नोट करेंगे। तो देखिए क्या होगा, जब हम जो है सल्फर पाउडर को जो है हीट करेंगे या बर्न करेंगे तो हमारा जो सल्फर पाउडर है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और इससे क्या होगा, इससे जो है सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। कुछ इस तरीके की रिएक्शन होगी हमारी सल्फर और ऑक्सीजन के साथ, जिससे कि जो हमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई और ये हमारी सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो जो हमने टेस्ट ट्यूब रखी थी स्पैटुला के ऊपर उसमें जो है ये हमारी गैस कलेक्ट हो गई। अब हम क्या करेंगे, हम इस गैस में जो है थोड़ा सा वाटर जो है वो मिक्स करेंगे इस टेस्ट ट्यूब में और उसको शेक करेंगे ताकि जो गैस है वो वाटर में जो है डिजोल्व हो जाए। और वाटर में डिजोल्व होने के बाद कुछ इस तरीके की रिएक्शन होगी हमारी वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड गैस के बीच, जिससे हमें मिलेगा H2SO4, जिसे हम सल्फ्यूरस एसिड के नाम से भी जानते हैं। अब क्या होगा, जब हम इसे जो हमारा सल्फ्यूरस एसिड है इसे ब्लू और रेड लिटमस पेपर के साथ टेस्ट करेंगे तो हमारा ब्लू लिटमस पेपर जो है वो रेड कलर का हो जाएगा, बट रेड लिटमस पेपर पे कोई भी इफेक्ट जो है वो नहीं होगा। इससे हमें क्या पता लगा कि ऐसे सॉल्यूशंस जो हमें पता है पहले से ही कि अगर ब्लू लिटमस पेपर का कलर रेड हो जाए तो मतलब हमारा सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक नेचर का है, अगर रेड लिटमस पेपर का कलर ब्लू हो जाए मतलब हमारा सॉल्यूशन जो है वो बेसिक नेचर का है। तो H2SO4 ने क्या किया, इसने जो है ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज करके कर दिया रेड, यानी कि हमारा जो H2SO4 यानी सल्फ्यूरस एसिड है ये हमारा एसिडिक नेचर का है। सो इस एक्टिविटी का कंक्लूजन क्या है, या इस एक्टिविटी से हमने क्या सीखा कि जो हमारे मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड हमने बनाया था वो मेटल का ही ऑक्साइड था, वो जो है वो हमारे सभी के सभी जो है वो बेसिक नेचर के होते हैं और इसीलिए वो रेड लिटमस पेपर का कलर जो है वो चेंज करके कर देते हैं ब्लू। दूसरी तरफ जो हमारे नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे हमारा सल्फर डाइऑक्साइड था, ऐसे जो हमारे नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स हैं ये सभी जो हैं नेचर में होते हैं एसिडिक और इसीलिए ये ब्लू लिटमस पेपर को कर देते हैं रेड। ये दोनों ही पॉइंट्स जो हैं आपको अच्छे से याद करने हैं कि मेटल ऑक्साइड्स जो हैं ये हमारे बेसिक नेचर के होते हैं और नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स हमारे एसिडिक नेचर के होते हैं। ये चीज़ें जो हैं एग्जाम में आपसे पूछ ली जाती हैं। यहाँ पर हमारी एक्टिविटी जो है वो कंप्लीट होती है, हमारी एक्टिविटी 3.9 क्लास 10 साइंस के चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल से। 3.8 तक जो है एक्टिविटीज़ हम हमारी पिछली वीडियोस में कर चुके हैं, तो चैनल पे आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी। हम स्टार्ट करेंगे हमारी एक्टिविटी 3.9। सो 3.9 में आपसे कहा गया है कि आपको जो है मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, सोडियम जैसी मेटल्स के जो है सैंपल्स लेने हैं और उनको जो है एक फ्लेम की हेल्प से जो है बर्न करने की कोशिश करनी है। अगर कोई प्रोडक्ट जो है वो बनता है तो आपको उस प्रोडक्ट को कलेक्ट करना है, साथ ही आपको ये बताना है कि कौन सी मेटल जो है वो इजीली बर्न होती है। अब देखिए जो मेटल्स हैं हमारी लाइक सोडियम या पोटेशियम, ये तो आपको पता है काफ़ी ज़्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। इसके अलावा जो मैग्नीशियम मेटल है, ये जो हमारी मेटल्स हैं ये काफ़ी ईजीली जो है वो बर्न हो जाती हैं, जबकि जिंक और एल्यूमिनियम जो है इन मेटल्स को जो है बर्न करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होती है, ये इजीली बर्न नहीं होती।
दूसरी तरफ कॉपर जो है, कॉपर हमारी ऐसी मेटल है जो बर्न ही नहीं होगी, बट ये आप इसको हीट करेंगे तो ये अपना ऑक्साइड जो है वो बनाएगी बट बर्न नहीं होगी। आगे इसी एक्टिविटी में जो है आपको बताना है कि जब आप मेटल्स को बर्न करते हैं तो जो फ्लेम है उसका कलर क्या होता है। तो देखिए, जब हम सोडियम मेटल को जो है बर्न करते हैं तो सोडियम मेटल को जब बर्न करेंगे तो सोडियम मेटल जो है वो येलो कलर की जो है फ्लेम को प्रोड्यूस करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगी, सोडियम की कुछ इस तरीके की रिएक्शन होगी ऑक्सीजन के साथ, जिससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा हमारा सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला आप लिख सकते हैं Na2O। दूसरी तरफ मैग्नीशियम की बर्निंग के बारे में आप सबने जो है चैप्टर 1 से पढ़ा है कि मैग्नीशियम को जब हम बर्न करते हैं तो ये बर्न होता है और डेजलिंग वाइट फ्लेम जो है वो शाइनिंग वाइट कलर की फ्लेम जो है वो प्रोड्यूस होती है। मैग्नीशियम के बर्न होने के बाद जो है एक पाउडर सा है, ग्रे कलर का पाउडर जो है वो हमें मिलता है, और ये पाउडर हमारा किस चीज़ का होता है, ये पाउडर हमारा होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कुछ इस तरीके की होती है, और बर्निंग पे भी जो रिएक्शन होती है मैग्नीशियम की वो यही रिएक्शन होती है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का हमारा फॉर्मूला है केमिकल MgO। सो आगे इसी एक्टिविटी में पूछा है कि जो हमारे ये प्रोडक्ट्स बने हैं ये मेटल ऑक्साइड्स के, ये वाटर में सोल्यूबल हैं या नहीं। अब देखिए, जो हमारे मेटल ऑक्साइड्स होते हैं मोस्टली क्या होता है, ये वाटर में इनसोल्यूबल होता है, लाइक कॉपर ऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड है, इनके जो हमारे ऑक्साइड हैं या हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं। बट कुछ हमारी जो है हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं जैसे सोडियम या पोटेशियम, ये जो है इनके ऑक्साइड्स बनते हैं या ये वाटर से रिएक्ट करती हैं तो ये बनाती हैं हाइड्रोक्साइड, और इसीलिए इन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स हैं हमारे सोडियम ऑक्साइड या पोटेशियम ऑक्साइड, ये हमारे वाटर में सोल्यूबल होते हैं। तो इस एक्टिविटी का क्या कंक्लूजन निकला या इस एक्टिविटी से आपने क्या सीखा कि जो हमारी मेटल्स हैं ये सभी मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगी और रिएक्ट करने पे जो है अपने ऑक्साइड्स बनाएंगी, बट क्या है कि ये सेम रेट पे नहीं रिएक्ट करती, ये सभी अलग अलग रेट्स पे रिएक्ट करती हैं। कुछ मेटल्स जैसे कि हमारी सोडियम या पोटेशियम हो गई, ये जो है काफ़ी वाइग्रेसली रिएक्ट करती हैं ऑक्सीजन के साथ, अगर आप इनको ओपनली एयर में छोड़ देंगे तो ये ऐसे रिएक्ट करती हैं कि फायर को भी कैच कर लेती हैं, जलने लग जाती हैं अगर। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि सोडियम या पोटेशियम मेटल्स को जो है हम कैरोसिन ऑयल में रखते हैं, इनको आप ओपनली एयर में नहीं रख सकते, ये रिएक्ट करेंगी और बर्न होना स्टार्ट हो जाएंगी। दूसरी तरफ हमारी मेटल्स हैं जैसे कि एल्यूमिनियम या जिंक, ये बर्न होती हैं बट ईजिली बर्न नहीं होती, राइट। बट कॉपर मेटल क्या है, कॉपर मेटल हमारी बर्न ही नहीं होती। तो इससे हम कह सकते हैं कि हमारी सभी मेटल्स की जो रिएक्टिविटी है वो डिफरेंट है, और इस बेसिस पे देखिए मैंने ये टेबल बनाई है, कुछ इस तरीके की टेबल या रिएक्टिविटी सीरीज़ आप इसको कह सकते हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ जो है हमने अपनी ऑब्जर्वेशन से इस जो है एक्टिविटी से बनाई है कि जो हमारी सोडियम मेटल है ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, और कॉपर जो है हमारी लेस रिएक्टिव मेटल है। आप इस सीरीज़ में अगर इस साइड से आगे बढ़ेंगे तो देखिए कॉपर लेस रिएक्टिव, जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव, एल्यूमिनियम जिंक से और कॉपर से रिएक्टिव, मैग्नीशियम जो है इन तीनों से ही ज़्यादा रिएक्टिव, और सोडियम जो है इन चारों मेटल्स से ज़्यादा रिएक्टिव है। हमारी एक्टिविटी 3.10 जो कि हमारी क्लास 10 साइंस के चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से है। सो इस एक्टिविटी में आपसे कहा गया है कि सबसे पहले आपको जो है मेटल्स लेनी है, कोई भी आप मेटल्स के सैंपल ले सकते हैं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, जो भी आपको मेटल्स प्रेजेंट हो आपको उन मेटल्स को लेना है, उनको एक बीकर में जो है ऐसे बीकर में रखना है जिसमें आपने पहले से ही जो है कोल्ड वाटर रखा हो, कोल्ड वाटर से भरे हुए बीकर में जो है आपको इन मेटल्स को जो है प्लेस करना है, और कोल्ड वाटर के साथ जो भी इनकी रिएक्शन होती है उसको नोट करना है। सो देखिए क्या होगा, जैसे कि हमारी मेटल्स हैं सोडियम और पोटेशियम, अब ये क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं, तो ये जब आप इनको सोडियम या पोटेशियम मेटल को जो है कोल्ड वाटर से भरे बीकर में जो है प्लेस करते हैं तो ये रिएक्शन करती हैं, और इनकी रिएक्शन जो होती है काफ़ी ज़्यादा वायलेंट होती है। वायलेंट होने के साथ साथ क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, यानी कि एक लार्ज अमाउंट में जो है वो हीट प्रोड्यूस होती है, और वो हीट इतनी ज़्यादा होती है
कि जैसे ही जो रिएक्शन होगी, मान लीजिए सोडियम की वाटर के साथ रिएक्शन हुई, तो इसमें क्या हुआ, इसमें से एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई, और क्या रिलीज हुई, मैंने आपको बताया था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हीट और एनर्जी रिलीज हुई। अब ये हीट और एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि जो हाइड्रोजन गैस हमारी रिलीज हुई या इवोल्व हुई, ये हाइड्रोजन गैस जो है फायर को कैच करती है और जलना स्टार्ट कर देती है। सेम हमारा जो है पोटेशियम के केस में भी होता है, जो वाटर से रिएक्शन होती है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनता है, हाइड्रोजन गैस और हीट एनर्जी निकलती है, और ये हीट एनर्जी भी सोडियम की तरह ही काफ़ी ज़्यादा होती है, जिस वजह से जो हाइड्रोजन गैस जो हमारी रिलीज होती है वो फायर को कैच कर लेती है। और इसीलिए मैंने आपको कई बार बताया है कि हम जो हमारी सोडियम या पोटेशियम मेटल्स हैं, इनको जो है केरोसिन ऑयल में प्लेस करके रखते हैं, ताकि इनका जो है वाटर और ऑक्सीजन से जो कॉन्टैक्ट है उसे ख़त्म किया जा सके, और इन्हें जो है इस तरीके की एक्सोथर्मिक रिएक्शन से जो है वो प्रिवेंट करके रख। आगे अगर हम देखें कैल्शियम मेटल की बात करें, तो कैल्शियम मेटल जो है कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करता है, बट इसकी रिएक्शन सोडियम और पोटेशियम की तरह जो है वायलेंट नहीं होती। हाँ, इस रिएक्शन में हीट निकलती है, हीट रिलीज होती है, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बट हीट इतनी ज़्यादा सफिशिएंट नहीं होती कि जो हाइड्रोजन गैस जो रिलीज हुई है वो फायर को कैच कर सके। जैसे कि ये हमारी मान लीजिए रिएक्शन है कैल्शियम की वाटर के साथ, तो इसमें एक प्रोडक्ट मिला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हुई, बट हीट जो है वो इतनी सफिशिएंट नहीं होती कि जो है हाइड्रोजन गैस फायर को कैच कर सके। साथ ही क्या होता है, जो हमारा ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ये जो है वाटर की सरफेस पे जो हमारा कैल्शियम है वो फ्लोट करने लगता है। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है ये जो है हमारी कैल्शियम के ऊपर, कैल्शियम का जो हमारा टुकड़ा है उसके साथ जो है वो स्टिक हो जाती है, चिपक जाती है, जिससे कि जो हमारा कैल्शियम का टुकड़ा है वो हल्का हो जाता है और वाटर की जो सरफेस है हमारी कोल्ड वाटर की उस पर फ्लोट करने लगता है। इसके बाद देखिए आगे बात करें, अगर हम हमारी मेटल्स जैसे कि मैग्नीशियम, आयरन या एल्यूमिनियम है, ये मेटल्स जो है ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारी सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम जो है ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव मेटल हैं, और बाकी जो हमारी मेटल्स हैं ये उनके कंपैरिजन में लीस्ट रिएक्टिव हैं। आगे इसी एक्टिविटी में कहा है कि उन मेटल्स को जो हमारी कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करती, उनको एक हाफ फिल्ड बीकर में प्लेस करो, जिसमें हमने पहले से क्या फिल किया हुआ हो, हॉट वाटर से वो हाफ फिल्ड बीकर होगा, उसमें जो है हम इन मेटल्स को रखेंगे और अपनी ऑब्जर्वेशन का नोट करेंगे। पहले ही बता दूं ऐसा हमने क्यों किया। देखिए क्या है कि जो मैग्नीशियम या जो हमारी आयरन जैसी मेटल्स थे जिन्होंने जो है कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं किया, तो हम उनको जो है हॉट वाटर के थ्रू जो है एक्सटर्नल जो है हीट या एनर्जी प्रोवाइड करवाएंगे, ताकि देखेंगे कि वो रिएक्शंस करती हैं या नहीं। तो देखिए जब हम मैग्नीशियम मेटल को जो है हॉट वाटर में प्लेस करते हैं, तो मैग्नीशियम मेटल जो है वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करती है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाती है, और इस रिएक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होती है। देखिए यहाँ आपको केमिकल रिएक्शन जो है वो दी हुई है कि मेटल ने, मैग्नीशियम ने जब वाटर से रिएक्ट किया तो हमें मिला मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। सेम कैल्शियम की तरह ही क्या होगा, जो हमारा मैग्नीशियम है वो कोल्ड वाटर जो माफ कीजिएगा हॉट वाटर जो हमारा उसकी सरफेस पे फ्लोट करने लगेगा, क्योंकि सेम हाइड्रोजन गैस के जो टुकड़े हैं वो हमारे मैग्नीशियम के ऊपर जो है वो चिपक जाएंगे, स्टिक हो जाएंगे, और इस वजह से हमारा मैग्नीशियम हल्का होकर जो है सरफेस के ऊपर फ्लोट करने लगेगा। उसके बाद अगर हम बात करें हमारी रिमेनिंग मेटल्स थी जैसे कि एल्यूमिनियम, आयरन या जिंक, ये कोल्ड और हॉट वाटर दोनों के ही साथ रिएक्ट नहीं करती, यानी कि ये मैग्नीशियम से भी ज़्यादा जो है लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हमारी हैं। इसके बाद इस एक्टिविटी में देखते हैं आगे क्या कहा गया है। आगे इस एक्टिविटी में कहा गया है कि ऐसी मेटल्स जो ना कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करें और ना ही हॉट वाटर के साथ, उनको क्या करना है, उनको हमें इस अपरेटस के थ्रू जो है वाटर की स्टीम से जो है वो जो स्टीम हमारी भाप होती है उससे रिएक्शन करवानी है और अपनी ऑब्जर्वेशन को नोट करना है। अब इस अपरेटस के बारे में आपको समझा दूँ इसमें क्या होगा। इसमें देखिए ये जो हमारा बीकर, ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें हम यहाँ पे जो एक मेटल के टुकड़े को प्लेस करेंगे। यहाँ हमने क्या किया है,
यहां हमने देखिए एक ग्लास का वूल लिया है जिसे हमने पहले से ही वाटर में जो है सोक करके रखा हुआ है, और यहां हमने एक बीकर में जो है टेस्ट ट्यूब को इन्वर्ट करके रखा हुआ है। तो क्या होगा, जैसे ही हम बीकर को गर्म करेंगे तो जो हमने ग्लास वूल को वाटर में सोक किया हुआ है तो ये जो है ये हीट होगा, और हीट होने से क्या होगा, वाटर की स्टीम प्रोड्यूस होगी जो कि हमारे इस मेटल के सैंपल के साथ जो है वो रिएक्ट करेगी, और जो रिएक्शन में जो गैस प्रोड्यूस होगी वो गैस इस ट्यूब के थ्रू होते हुए जो है इस हमारी टेस्ट ट्यूब में यहाँ इकट्ठी हो जाएगी, कलेक्ट हो जाएगी। तो आगे देखिए, जैसे ही हम हमारी जो है मेटल्स जैसे कि एल्यूमिनियम, आयरन या जिंक जो है इनकी रिएक्शन स्टीम के साथ करवाते हैं तो क्या होता है, ये हमारी मेटल्स जो हैं स्टीम के साथ रिएक्ट करके जो है अपनी मेटल ऑक्साइड्स बनाती हैं, और इस रिएक्शन में हमारी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। कैसे, जैसे कि ये देखिए, अगर एल्यूमिनियम ने जो है स्टीम के साथ रिएक्ट किया, स्टीम का हमारा फॉर्मूला भी H2O ही होगा क्योंकि ये वाटर का ही एक जो है फॉर्म है, तो क्या होगा, इसने अपना बनाया ऑक्साइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और हाइड्रोजन गैस जो है वो इस रिएक्शन में रिलीज हुई। सेम वाटर ने जो है स्टीम के साथ रिएक्शन की, आयरन ने जो है स्टीम के साथ रिएक्शन की तो हमें मिला आयरन ऑक्साइड जिसे आप फेरोसोफेरिक ऑक्साइड भी कह सकते हैं, और इस रिएक्शन में भी हमारी हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हुई। जिंक के केस में भी ऐसा ही होगा, जिंक स्टीम के साथ रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस हमारी रिलीज होगी। आगे इसी एक्टिविटी में पूछा है कि ऐसी कौन सी मेटल्स हैं जो स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं करती, तो कुछ हमारी मेटल्स हैं जैसे कि लिड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये इतनी ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं कि ये स्टीम के साथ भी जो रिएक्शन नहीं करती। तो इस एक्टिविटी में अभी तक जो है आपने मेटल्स की कोल्ड वाटर, हॉट वाटर और स्टीम सबके साथ जो है वो रिएक्शन देख ली, तो आपने क्या कंक्लूजन निकाला। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए ऐसा है कि सभी मेटल्स जो है वो वाटर से या वाटर किसी भी फॉर्म से रिएक्ट नहीं करती, बस मोस्ट ऑफ द जो हमारी मेटल्स हैं अगर वो वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं तो वो मेटल ऑक्साइड्स बनाती हैं, और इस रिएक्शन में जो है हाइड्रोजन गैस हमारी रिलीज होती है। इसे आप नोट कर सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट साथ ही आप ये भी नोट कीजिए कि ऐसे मेटल ऑक्साइड्स जो कि वाटर में सोल्यूबल हैं, लाइक हमारा जो हो गया सोडियम ऑक्साइड या पोटेशियम ऑक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड जो कि हमारे वाटर में सोल्यूबल हैं, तो ये क्या करते हैं, ये वाटर में डिजोल्व होके जो है मेटल हाइड्रोक्साइड जो है वो बनाते हैं। इनके केस में क्या होता है, हमारी डबल रिएक्शंस होती हैं, पहले ये वाटर के साथ रिएक्ट करके जो है अपने ऑक्साइड बनाएंगे जिसमें कि हमारी हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होगी, देन क्या होगा, इनके जो मेटल ऑक्साइड्स हैं अगर आप उसको ज़्यादा देर वाटर से जो है वो रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, ये मेटल्स जो हैं ऑक्साइड इनके मेटल हाइड्रोक्साइड जो है वो बनाएंगे। तो ये दोनों ही रिएक्शंस आप नोट कर सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट हमारी कुछ मेटल्स मैं आपको दोबारा बता दूं, जैसे कि सिल्वर, गोल्ड, कॉपर या लिड है, ये इतनी लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं कि ये वाटर के किसी भी फॉर्म के साथ जो है वो रिएक्शन नहीं करती। तो इस एक्टिविटी से आप एक चीज़ ये भी सीख गए होंगे कि जो हमारी मेटल्स हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज इनकी बनाना चाहें तो हमारी जो सोडियम, पोटेशियम, ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं, देन इसके बाद अगर हमारा मेटल आएगी वो आएगी कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो हमारी एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, ये मेटल्स आएंगी, और लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स में हम नाम लिख सकते हैं लेड, कॉपर, सिल्वर और हमारा गोल्ड का फॉर्मूला Ag। तो इस तरीके से जो है हमारी मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज बना सकते हैं। इस एक्टिविटी का मेन पॉइंट भी आपको यही समझाना था कि हमारी कौन सी मेटल्स ज़्यादा रिएक्टिव हैं और कौन सी मेटल्स हमारी लीस्ट रिएक्टिव हैं। करेंगे हमारी एक्टिविटी 3.11 क्लास 10th साइंस के चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल्स से। तो इस एक्टिविटी में आपसे कहा गया है कि आपको कुछ मेटल्स के सैंपल लेने हैं जिसमें आपको सोडियम और पोटेशियम मेटल जो है इनको नहीं लेना। क्यों नहीं लेना ये मैं आपको आगे बताऊंगा। देन आपको क्या करना है, आपको इन मेटल्स के सैंपल को जो है टेस्ट ट्यूब्स में डालना है। कैसी टेस्ट ट्यूब्स में, जिनमें पहले से ही हमने जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl को फिल किया हुआ है, ऐसी टेस्ट ट्यूब्स जिनमें HCl पहले से फिल है उनमें आपको इन मेटल्स के सैंपल को जो है अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स में अलग अलग मेटल के सैंपल को जो है वो सेपरेटली आपको डालना है और जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन है उसे नोट करना है।
तो देखिए इसमें हमने क्या है, सोडियम और पोटेशियम को क्यों नहीं लिया, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम जो है हमारी ऐसी मेटल्स हैं जो वाटर के साथ ही काफ़ी वाइग्रेसली रिएक्ट करती हैं। अगर हम इनको जो है HCl से रिएक्ट करवाएंगे तो इनकी रिएक्शन में भी बहुत ज़्यादा ही वाइग्रेसली हो, काफ़ी ज़्यादा एक्सोथर्मिक हो, जिससे कि ब्लास्ट भी हो सकता है एक छोटा सा, या फिर वो जो एसिड है वो स्प्लैश होकर टेस्ट ट्यूब से बाहर निकल कर जो आपकी स्किन को भी डैमेज कर सकता है। तो हम जो है इन मेटल्स को नहीं लेंगे। आगे जो हमारी मेटल्स हमने ली हैं लाइक मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन या जिंक, इन मेटल्स को हम लेते हैं हमारे इस एक्सपेरिमेंट के लिए। तो जब हम हमारी मैग्नीशियम मेटल की, जिसका केमिकल सिंबल होता है Mg, इस मेटल की रिएक्शन जो है हम हमारे HCl से करवाएंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो क्या होगा, एक तो हमें मिलेगा मैग्नीशियम क्लोराइड, और इस रिएक्शन में जो है आपको हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होगी। अब हाइड्रोजन गैस के बबल्स जो है वो हमारे एसिड की सरफेस पर, या जो हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन बनेगा उसकी सरफेस पर जो है आप हाइड्रोजन गैस के बबल्स जो है वो देख सकते हैं। रिएक्शन कुछ इस तरीके की होगी, मैग्नीशियम प्लस 2HCl, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। साथ ही मैं आपको यहाँ ये भी बता दूँ कि इस रिएक्शन में जो है हीट भी रिलीज होगी। अगर आप टेस्ट ट्यूब में जो है रिएक्शन शुरू होने से पहले और रिएक्शन शुरू होने के बाद अगर थर्मोमीटर को जो है वो डालेंगे तो आपको टेम्परेचर में जो है वो चेंज दिखाई देगा, जिससे कि आप कह सकते हैं कि कुछ अमाउंट में जो है वो हीट इस रिएक्शन से रिलीज़ हुई है। और हीट रिलीज़ हुई तो यानी आप कह सकते हैं कि हमारी जो रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। साथ ही मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, इसमें क्या होगा, जो हमारी मैग्नीशियम मेटल है वो हमारी एसिड में थोड़े टाइम बाद जो है कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाएगी, और क्योंकि मैग्नीशियम क्लोराइड हमारा जो है वो फॉर्म हुआ है, उसका एक्वस सॉल्यूशन बना है, तो जो हमारा सॉल्यूशन है उसका कलर मैग्नीशियम क्लोराइड की वजह से जो है वो ब्लू कलर का हो जाएगा। क्लियरली देखिए, अगर हम एल्यूमिनियम मेटल जो है हमारी, इसकी रिएक्शन भी HCl के साथ करवाएंगे तो सेम केस होगा। क्या होगा कि हमें एल्यूमिनियम क्लोराइड मिलेगा और इस रिएक्शन में भी जो हमारी हाइड्रोजन गैस है वो रिलीज होगी। यहाँ आपको जो है उसकी केमिकल इक्वेशन दी हुई है कि किस तरीके से जो हमारी एल्यूमिनियम मेटल है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करके एल्यूमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है। मैग्नीशियम की तरह ही हमारी एल्यूमिनियम मेटल भी जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिजोल्व हो जाती है। बट क्या है कि मैग्नीशियम की तरह जो है रिएक्शन एक्सोथर्मिक नहीं होती। हाँ, हीट रिलीज होती है बट इतनी ज़्यादा अमाउंट में नहीं होती जैसा हमारा मैग्नीशियम के केस में होता है। बट यन यू कैन से दैट कि एल्यूमिनियम की जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। सिमिलरली अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन जो है जिंक या फिर आयरन के साथ करवाएं तो दोनों ही केसेस में भी हमारे पास जो है इनके क्लोराइड्स मिलेंगे। जैसे जिंक की हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्शन होगी तो जिंक क्लोराइड मिलेगा, और आयरन की हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन होगी तो हमें आयरन क्लोराइड मिलेगा। दोनों ही केसेस में जो है हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और साथ ही जो है हीट एनर्जी जो है वो रिलीज होगी, यानी ये रिएक्शंस भी हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होंगी। तो ओवरऑल मेटल के साथ रिएक्ट करवाने के बाद आप यहाँ पर एक चीज़ तो कह सकते हैं कि जब भी हमारी मेटल्स जो हैं वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं तो उनकी रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, वो अपने जो है कोरस्पोंडिंग क्लोराइड्स बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस इन सभी रिएक्शन में रिलीज होती है। तो आप इस चीज़ को जो है नोट कर सकते हैं ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस पूरी एक्टिविटी का जो बेसिक तोड़ हम कह सकते हैं या बेसिक फॉर्मूला जो इस एक्टिविटी के थ्रू हम आपको सिखाना चाहते थे कि जब भी हमारी मेटल्स एसिड या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक, देखिए डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं तो अपने क्लोराइड्स बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस प्लस हीट एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। इसके अलावा एक चीज़ और बता दूं कि जब हमारी मेटल्स जो हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करती हैं तो वो सभी रिएक्शन, अब यहाँ पे मैंने एसिड वर्ड यूज़ किया है, तो जो रिएक्शंस हैं वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, यानी हीट जो है वो रिलीज होती है। बट ये जरूरी नहीं है कि वहाँ मेटल क्लोराइड बने। अगर हम नाइट्रिक एसिड या कोई और एसिड लेते हैं तो वहाँ अलग तरीके का जो है वो कंपाउंड हमारा बनेगा। जैसे कि अगर हम H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे
तो वहाँ पे क्लोराइड ना बन के सल्फेट कंपाउंड बनेगा। बट यस, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है वो मेटल्स के केसेस में होंगी। ये जो हमारी इक्वेशन है ये मेटल की हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ है। तो क्वेश्चन तो आप जो है एक्टिविटी का तोड़ तो मैंने आपको बता दिया, अब इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि हमारी कौन सी ऐसी मेटल है जो भी हमने रिएक्ट करवाई हैं, उनमें से कौन सी मेटल जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ सबसे ज़्यादा वाइग्रसली जो है वो रिएक्ट करती है। तो देखिए, हमने सोडियम और पोटेशियम को साइड किया था, तो उनके बाद जो हमारी मेटल्स थी जैसे कि मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम जो है ये हमारे गिवन सैंपल्स में सबसे फास्टेस्ट और सबसे वाइग्रसली जो है वो रिएक्ट करती है HCl के साथ। उसके अलावा आगे इसी एक्टिविटी ने पूछा है कि किस मेटल के साथ जो है आप हाईएस्ट टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड करते हैं। सभी आपको पता है कि रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक थी। आपको ये भी पता है कि हमने जो है मैग्नीशियम और माफ़ कीजिएगा सोडियम और पोटेशियम को जो है वो क्यों इग्नोर किया था, उनको क्यों नहीं लिया इस एक्टिविटी में, क्योंकि वो काफ़ी वाइग्रसली है। तो अगर हम सभी मेटल्स की बात करें तो सोडियम और पोटेशियम के साथ अगर रिएक्ट करवाएंगे तो वो हाईएस्ट टेम्परेचर जो है वो प्रोड्यूस करेंगी, क्योंकि उसमें जो है हीट काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होगी। बट यहाँ हमसे पूछा गया है कि जो मेटल्स आपको दी हुई थी, गिवन मेटल्स में से किस मेटल के साथ आपने जो है हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया, तो वो हमारा आंसर होगा मैग्नीशियम, क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो जिंक, आयरन या एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में ज़्यादा वाइग्रसली जो है रिएक्ट करती है, ज़्यादा फास्ट रिएक्ट करती है HCl के साथ। तो हमारा आंसर होगा मैग्नीशियम के साथ जो है हमने ज़्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया एज़ कम्पेयर टू अदर गिवन मेटल्स जो हमें सैंपल दिए गए थे। उसके बाद इस बेसिस पर जो हमने चारों ही मेटल्स की रिएक्शन करवाई है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, उसके बेसिस पर एसिड की रिएक्शन में मेटल्स की क्या रिएक्टिविटी सीरीज है वो हमें बनानी है। तो देखिए, कुछ इस तरीके की हमारी रिएक्टिविटी सीरीज होगी हमारी इस एक्टिविटी के बेसिस पर, कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हमारा क्या हुआ, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम से लेस ज़्यादा थोड़ा माफ़ कीजिएगा लेस रिएक्टिव हमारा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम दोनों से जो है लेस रिएक्टिव हमारा हुआ क्या, जिंक। और इन तीनों से ही लेस रिएक्टिव, तीनों ही मेटल से जो हमारा लेस रिएक्टिव हुआ आयरन, यानी कि आयरन इन चारों में हमारा लीस्ट रिएक्टिव है और मैग्नीशियम जो है ये हमारा मोस्ट रिएक्टिव है। दोस्तों, आज की वीडियो में आपका वेलकम है। आज हम करेंगे हमारी एक्टिविटी 3.12 हमारे मेटल एंड नॉन मेटल्स वाले चैप्टर से। इस एक्टिविटी में आपसे कहा है कि आपको एक कॉपर की क्लीन वायर लेनी है और एक आयरन नेल लेनी है। आपको क्या करना है, आपको जो हमारी कॉपर वायर है इसे तो आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में और आयरन नेल को जो है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करना है, कुछ इस तरीके से जैसे यहाँ फिगर में शो किया हुआ है। और 20 मिनट बाद जो आपकी ऑब्जर्वेशन है उसको नोट करना है। हम 20 मिनट तक जो है इस अपनी आयरन नेल और कॉपर वायर को जो है सॉल्यूशंस में जो है डिप करके रहने देंगे बिना डिस्टर्ब किए, और 20 मिनट बाद अपनी ऑब्जर्वेशन को जो है नोट करेंगे। तो देखिए क्या होगा, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारा आयरन सल्फेट सॉल्यूशन है वो येलो ब्राउनिश कलर का होता है और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हमारा ब्लू कलर का होता है। तो जैसे ही 20 मिनट बाद अब आप देखेंगे तो क्या होगा, जो हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है उसका जो कलर पहले ब्लू था वो चेंज होके ग्रीन या फिर लाइट ब्राउनिश कलर का हो गया है, जिससे कि हमें पता लगता है कि हमारी टेस्ट ट्यूब जिसमें हमने हमारी आयरन नेल को जो है डिप करके रखा था उसमें जो है रिएक्शन स्टार्ट हो गई है। बट हमारी टेस्ट ट्यूब बी जिसमें हमने कॉपर वायर को आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करके रखा था उस सॉल्यूशन का कलर जो है वैसे का वैसे ही येलो ब्राउनिश कलर का ही रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आता। मतलब हम कह सकते हैं कि हमारी टेस्ट ट्यूब बी में जो है रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई। इसके बाद इन्होंने कहा है जो हमारी रिएक्शन टेस्ट ट्यूब ए में हुई है उसके लिए एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो है वो लिखो। तो देखिए, टेस्ट ट्यूब ए में क्या था, हमारे पास हमारी आयरन नेल थी, यानी आयरन जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है Fe, उसे हमने रखा था कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। और जब हमारे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का ब्लू से चेंज हुआ कलर, ग्रीनिश या येलो ब्राउनिश कलर हुआ, तो वो क्यों हुआ, वो हुआ आयरन सल्फेट बनने के कारण, और हमारा जो कॉपर मेटल है वो इसमें जो है वो
आयरन के ऊपर जो है कॉपर मेटल डिस्प्लेस हो जाता है हमारे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से। तो इस रिएक्शन को हम क्या कह सकते हैं, ये रिएक्शन हमारी होती है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों कहते हैं, मैं आपको समझाता हूं। देखिए आयरन ने क्या किया, आयरन ने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से जो है कॉपर को कर दिया डिस्प्लेस और सल्फेट के साथ कंबाइन होकर अपना कंपाउंड बनाया आयरन सल्फेट। कॉपर हमारा डिस्प्लेस हो गया, तो इसलिए इस रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो एक्टिविटी तो हमारी हो गई, बट इस एक्टिविटी का मेन मोटिव क्या था, आपको क्या सिखाना चाहते थे कि देखिए जो हमारी सभी मेटल्स हैं वो इक्वली रिएक्टिव नहीं होती। ये हम जो हमारी पहले 3.9 से 3.11 तक जो हमने एक्टिविटीज़ की हैं उसमें आपको समझ में आ गया था। उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने हमारी मेटल्स को जो है ऑक्सीजन, वाटर और एसिड तीनों के साथ रिएक्ट करवाया था और उनकी रिएक्टिविटी जो है वो नोट की थी। बट कुछ मेटल्स थी हमारी जैसे आयरन या कॉपर या फिर गोल्ड या सिल्वर, ये मेटल्स ने जो किया गया था इन तीनों के साथ ही जो है रिएक्ट नहीं किया था। तो बाकी मेटल्स की तो रिएक्टिविटी हमें पता लग गई थी, बट इन मेटल्स की रिएक्टिविटी को जो है हम इन एक्टिविटीज़ या इन रिएक्शंस के बेसिस पर जो है उनको रिएक्टिविटी में जो है ऑर्डर में अरेंज नहीं कर पाए थे। तो उन एक्टिविटी मेटल्स को जो हमारी आयरन कॉपर जैसी मेटल्स हैं उनको जो है रिएक्टिविटी के ऑर्डर में अरेंज करने के लिए जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जो हमने हमारी इस एक्टिविटी में की है वो काफ़ी ज़्यादा सूटेबल होती है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमेशा ऐसा होता है कि जो हमारी मोर रिएक्टिव मेटल होगी वो हमेशा हमारे लेस रिएक्टिव मेटल को जो है वो डिस्प्लेस करेगी। जैसे देखिए अगर यहाँ पे हमने मेटल ए लिया है और एक सॉल्यूशन लिया है मेटल बी का, अब अगर मेटल ए हमारे मेटल बी को जो है डिस्प्लेस करके अपना कंपाउंड बनाए तो हम कह सकते हैं कि हमारी मेटल ए जो है वो मेटल बी से ज़्यादा रिएक्टिव है। अगर मेटल ए हमारी मेटल बी को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस ना कर पाए तो मतलब मेटल ए हमारी मेटल बी से ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है। तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का यूज़ किया हमने हमारी रिमेनिंग जो है मेटल्स को जो है उनकी रिएक्टिविटी में अरेंज करने के लिए। और यहाँ पर हमने देखा था कि आयरन ने जो है कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस किया, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा आयरन है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। और अब हमारी देखिए 3.9 से लेके 3.12 तक जो है एक्टिविटीज़ हो चुकी हैं, तो अब हम जो है मेटल्स की एक रिएक्टिविटी सीरीज़ जो है वो बना सकते हैं। वो कुछ इस तरीके की होगी, देखिए यहाँ क्या होगा, ये हमारी मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज़ है जिसमें मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हमारी जो है पोटेशियम, देन सोडियम, देन कैल्शियम। कुछ इस तरीके से मेटल्स जो अपने रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में नीचे की तरफ आती रहेंगी, जैसे कि गोल्ड है हमारी, गोल्ड हमारी सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल होगी उन मेटल्स में से जिनके साथ हमने जो है हमारी एक्टिविटीज़ को किया है, उससे गोल्ड से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगी हमारी सिल्वर, देन कॉपर, देन आयरन। और ये हमारी जो है मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में कुछ इस तरीके से नीचे की ओर आ रही हैं। तो अगर आपको रिएक्टिविटी को अच्छे से समझना है तो आपको जो है 3.9 से लेके 3.12 तक जो है सभी एक्टिविटीज़ को अच्छे से देखना होगा। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप चैनल पर सर्च करके भी उन एक्टिविटीज़ को देख सकते हैं। एक्टिविटी 3.13 में आपसे कहा गया है कि आपको जो है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड जैसे जो हमारे आयनिक सोल्ट्स हैं इनके जो है सैंपल्स को लेना है और बताना है कि इनकी फिजिकल स्टेट क्या है। तो देखिए ये जो हमारे सोल्ट्स हैं ये हमें या तो सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे या फिर पाउडर फॉर्म में मिलेंगे, तो दोनों ही केसेस में हम कह सकते हैं हमारे जो सोल्ट्स हैं ये सॉलिड स्टेट्स में जो है वो नेचर में हमें मिलेंगे। देन आगे इस एक्टिविटी में कहा है कि आपको क्या करना है, आपको एक स्मॉल अमाउंट लेनी है इन सोल्ट्स की एक हमारे मेटल के स्पैटुला पे और उसे डायरेक्टली जो है फ्लेम के ऊपर जो है हीट करना है। सभी सोल्ट्स को बारी बारी हम हीट करेंगे और अपनी ऑब्जर्वेशन को जो है नोट करेंगे। तो देखिए क्या होगा, जब हम हमारे इन सोल्ट्स को जो है डायरेक्टली फ्लेम पर हीट करेंगे, क्योंकि हम बर्नर पर हीट कर रहे हैं, तो हमारे इन आयनिक कंपाउंड्स या सोल्ट की फिजिकल स्टेट में जो है कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, जिससे कि हम कह सकते हैं
कि इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। अगर इनका मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट हाई नहीं होता तो बर्नर पर हीट करने से ये मेल्ट होते या ये गैस की फॉर्म में जो मतलब कोई चेंजेस आता इनमें, बट इनमें ऐसा कोई चेंज नहीं आता, ये वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इनका मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होगा। उसके बाद आगे इस एक्टिविटी में कहा है कि इन्हीं सोल्ट्स को जो है आपको जो सैंपल्स दिए गए हैं इन्हें आपको वाटर, पेट्रोल या केरोसिन, इन तीनों में जो है वो डिसॉल्व करने की जो है कोशिश करनी है और बताना है क्या ये सोल्यूबल होते हैं। तो देखिए क्या होगा, जब आप इन सोल्ट्स को जो है वाटर में डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हमारे ये आयनिक कंपाउंड्स या सोल्ट्स जो हैं ये वाटर में तो डिसॉल्व हो जाएंगे, बट पेट्रोल और केरोसिन में जो है ये डिसॉल्व नहीं होंगे, पेट्रोल और केरोसिन में ये रहेंगे हमारे इनसोल्यूबल। सो देखिए अब हमने इनको वाटर में या इनकी सोल्यूबिलिटी को तो चेक कर लिया, अब हमें क्या करना है, हमें कुछ इस तरीके का जो हमारा एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है बैटरी, बल्ब और स्विच की हेल्प से, एंड देन इस सर्किट को जो है इलेक्ट्रोड्स से कनेक्ट करके एक बीकर में जो है प्लेस करना है। अब हम इस क्या करेंगे, हम इन बीकर्स में जो है हमारे सोल्ट का जो है वो सोल्यूशन जो है वो बारी बारी से डालेंगे और अपनी ऑब्जर्वेशन को जो है नोट करेंगे। तो देखिए क्या होगा, जब हम अपने पहले सैंपल को जो है पहले सोल्ट के सॉल्यूशन को जो है बीकर में डाल के स्विच को जो है वो टर्न्ड ऑन करेंगे, स्विच को ऑन करेंगे तो क्या होगा, जो हमारा बल्ब है वो ग्लो करना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे कि हम कह सकते हैं कि हमारे सोल्ट सॉल्यूशन ने जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट किया। और अगर हम हमारे बाकी के आयनिक कंपाउंड्स के जो सॉल्यूशन हैं उनके साथ सेम एक्टिविटी को करेंगे तो हमें सेम रिजल्ट मिलेगा, हर बार हमारा बल्ब जो है वो ग्लो करेगा, जिससे कि हम कह सकते हैं कि हमारे गिवन जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स या सोल्ट हैं इनका सॉल्यूशन जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो एक्टिविटी तो हो गई, बट इस एक्टिविटी का मेन मोटिव क्या था, मेन मोटिव था आपको आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताना, यहाँ फिजिकल नहीं आएगा माफ कीजिएगा, आयनिक कंपाउंड्स की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में बताना हमारी इस एक्टिविटी का मेन मोटिव था। तो इस एक्टिविटी में हमने क्या क्या सीखा, फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारे आयनिक कंपाउंड्स जो हैं सॉलिड होते हैं और हार्ड होते हैं, क्यों, क्योंकि इनके कंपाउंड्स जो इनके एटम्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स जिनसे मिलकर बने होते हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, बट ये क्या होते हैं, ये ब्रिटल होते हैं, अगर आप इनके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे हैमर की हेल्प से इनको बीट करेंगे तो ये पीसीज में ब्रेक हो जाएंगे, इसीलिए हमें पाउडर की फॉर्म में भी जो है वो मिलते हैं। आयनिक कंपाउंड्स का हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, इन्हें आप जब हीट करेंगे तो जल्दी से जो है मेल्ट नहीं होते या बॉइल नहीं होते, यानी कि इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है। उसके अलावा हमने देखा था कि हमारे जो आयनिक कंपाउंड्स हैं ये वाटर में तो सोल्यूबल होते हैं, बट जो हमारे सॉल्वेंट्स हैं जैसे केरोसिन या पेट्रोल इनमें ये होते हैं इनसोल्यूबल। इसके अलावा लास्ट हमने क्या किया था कि हमारे जो आयनिक कंपाउंड्स हैं ये मोल्टन स्टेट में या फिर अपनी सोल्यूशन फॉर्म में जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। हमारी एक्टिविटी 3.14 हमारे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाले चैप्टर से। सो देखते हैं इस एक्टिविटी में आपको करना क्या है। देखिए इसमें आपको क्या करना है, आपको तीन टेस्ट ट्यूब्स लेनी है और कुछ आयरन नेल्स लेनी है और उनको जो है अपने तीनों ही टेस्ट ट्यूब ए, बी और सी तीनों में हमें जो है हमारी इन आयरन नेल्स को जो है वो डालना है। देन हम क्या करेंगे, हम हमारी टेस्ट ट्यूब ए में थोड़ा सा जो है वाटर जो है वो ऐड करेंगे, ये हमारी टेस्ट ट्यूब ए हो गई। टेस्ट ट्यूब बी में हमें क्या करना है, हमें डिस्टिल्ड वाटर लेना है। टेस्ट ट्यूब बी में हम डिस्टिल्ड वाटर लेंगे एंड देन उसके ऊपर जो है अबाउट 1 ml जो है वो ऑयल जो है वो डालेंगे, ताकि जो हमारे डिस्टिल्ड वाटर है जिसमें हमने जो है यहाँ देखें फिगर में आपको शो हो रहा है जो आयरन नेल्स हैं वो पूरी तरीके से डिस्टिल्ड वाटर में जो है वो डूब जाएं और ऊपर से जो ऑयल की लेयर होगी वो एयर को जो यहाँ एयर है टेस्ट ट्यूब में उसे डिस्टिल्ड वाटर में डिसॉल्व होने से प्रिवेंट करेगी। थर्ड हम क्या करेंगे, हम हमारी तीसरी टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे, हम कैल्शियम क्लोराइड एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड जो है वो ऐड करेंगे, ताकि जो टेस्ट ट्यूब हमारी सी है इसमें जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है जो भी मॉइस्चर प्रेजेंट है वो एब्जॉर्ब कर ले और ड्राई एयर जो है वो हमारी टेस्ट ट्यूब सी में जो है वो रह जाए और फिर हम अपनी ऑब्जर्वेशन को नोट करेंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा, देखिए ऐसा करने से फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो टेस्ट ट्यूब ए है उसमें हमारे पास जो नेल्स होंगी
वो वाटर और एयर दोनों के ही कॉन्टैक्ट में होंगी, क्योंकि उसमें हमने नॉर्मल वाटर जो है वो ऐड किया था जिसमें कि एयर पहले से डिजोल्व थी। टेस्ट ट्यूब बी में हमने क्या किया, हमने डिस्टिल्ड वाटर लिया था, तो इस वजह से जो नेल्स हैं वो केवल वाटर के ही कॉन्टैक्ट में होंगी, एयर के कॉन्टैक्ट में नहीं होंगी। टेस्ट ट्यूब सी में हमने क्या किया था, हमने जो एनहाइड्रस जो है वो कैल्शियम क्लोराइड डाला था, उस वजह से जो मॉइस्चर जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया था, और टेस्ट ट्यूब सी की जो नेल्स है वो हमारी केवल एयर के कॉन्टैक्ट में होंगी, मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में बिल्कुल भी नहीं होंगी। तो कुछ दिनों बाद जब आप अब देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि जो टेस्ट ट्यूब ए है उसमें जो हमने नेल्स रखी थी वो तो रस्टेड हो गई है, उनके ऊपर जो है जंग लग गया है, बट जो हमारी बाकी के टेस्ट ट्यूब बी या टेस्ट ट्यूब सी में जो नेल्स हैं उन पे जो है कोरोजन या रस्टिंग का कोई भी इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इससे जो है देखिए हमारे पास ये रस्टिंग की केमिकल इक्वेशन है कि ये हमारी नेल्स का केमिकल फॉर्मूला या आयरन का हम कह सकते हैं Fe, जो कि वाटर या हम कह सकते हैं मॉइस्चर और एयर या फिर ऑक्सीजन दोनों से जब कॉन्टैक्ट में जाता है, दोनों से रिएक्ट करता है, तो जो है आयरन ऑक्साइड और रस्टिंग की फॉर्मेशन होती है। ये हमारा रस्टिंग क्या रस्ट का हम कह सकते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन का ये हमारा केमिकल फॉर्मूला है आयरन ऑक्साइड का। तो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिला, इस एक्टिविटी का मेन मोटिव आपको क्या सिखाना था कि आयरन की जो रस्टिंग है उसके लिए वाटर और ऑक्सीजन या यूं कहें कि मॉइस्चर और एयर दोनों का प्रेजेंट होना जरूरी है। अगर ये दोनों प्रेजेंट नहीं है तो आयरन को जो है वो रस्टिंग नहीं हो सकती, आयरन का कोरोजन नहीं हो सकता। इसीलिए हम क्या करते हैं, आयरन को जो है रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए पेंटिंग ऑयलिंग जैसी जो चीज़ें हैं उनका मेथड्स जो है ये इनका यूज़ करते हैं। तो अब आपको आई थिंक जो है 3.14 का जो हमारा मेन मोटिव था आपको रस्टिंग के बारे में समझाना वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हमारी सभी एक्टिविटीज़ जो हैं 3.1 से 3.14 तक जो हैं सभी कंप्लीट होती हैं, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाकर सभी एक्टिविटीज़ देख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।